IVM. विराट कोहली की अगुवाई में एक और सीरीज की भारतीय टीम ने अपने नाम, और इस जीत के साथ भारतीय टीम ने टेस्ट रैंकिंग में नंबर एक पर अपनी जगह बना ली। वहीं अगर हम बात टेस्ट चैंपियनशिप की करें तो थोड़ा सा पेचीदा है वहां पर अभी भी सवाल। हालांकि ऑफिशियली हम कह सकते हैं कि भारतीय टीम वहां पर भी नंबर एक पर पहुंच गई है, लेकिन कई गणित है जो उसको समझना पड़ेगा आगे। बहरहाल, लेकिन अच्छी बात यह थी कि राहुल द्रविड़ और विराट कोहली के एक नए एरा की शुरुआत जीत के साथ हुई। कई पॉजिटिव बातें निकलकर सामने आई, तो कुछ परेशानियां भी है जिसको खत्म करना पड़ेगा दक्षिण अफ्रीका से पहले। अगर आपको दक्षिण अफ्रीका में सीरीज जीतना है, टीम का सिलेक्शन भी आज होना है, और भारतीय टीम में क्या कुछ नए चेहरे आ सकते हैं, ये भी एक विषय होगा आज बातचीत का। नमस्कार, खेल नीति पर आपका स्वागत है। मैं हूँ राजीव मिश्रा, मेरे साथ सबा करीम है, पूर्व क्रिकेटर, सेलेक्टर और अभी के कमेंटेटर। सबा भाई, गुड मॉर्निंग। और साथ ही गुड मॉर्निंग के साथ कितनी अच्छी मॉर्निंग राहुल द्रविड़ और विराट के लिए आप देख पा रहे हैं मुंबई में, क्योंकि एक दिन पहले टेस्ट मैच खत्म हुआ, नहीं तो आज हम टेस्ट मैच की बात कर रहे होते। अब क्योंकि टेस्ट मैच सीरीज हम जीत चुके हैं, कितनी अच्छी मॉर्निंग देख रहे हैं राहुल द्रविड़ के लिए, और क्योंकि विराट कोहली तो कॉफी के शौकीन है, तो चाय तो पीते नहीं वो, तो आज थोड़ी शुगर ऐड की होगी उन्होंने अपनी ब्लैक कॉफी में, या नॉर्मल कॉफी चल रही होगी। गुड मॉर्निंग राजीव। चलिए, खुशी की बात यह है कि एक तो ये जो दोनों टेस्ट मैचेस हुए हैं वो एब्जॉर्बिंग टेस्ट मैच हुए हैं। पहला टेस्ट मैच जो कानपुर में हुआ वो पांचवें दिन तक चला, अंत में वो ड्रॉ हो गया, और ये मुंबई का जो टेस्ट मैच था वो फोर्थ डे तक चला। तो ये दर्शाता है कि एक बहुत बड़ा जो चेंज देखने को मिल रहा है वो ये है कि राहुल द्रविड़ और उनकी जो टीम है, विराट कोहली जो उनकी जो और जो उनकी टीम है, वो चाहती है कि विकेट के जिस प्रकार का मिले उस पर वो तैयार है खेलने के लिए, और ये बहुत बड़ी बात है। पिछली श्रृंखला में जो हुआ था कम से कम वो इस बार देखने को मिला नहीं है, क्योंकि मुझे हमेशा से ये मानना रहा है कि हमारी टीम में वो काबिलियत है, हमारे पास शानदार प्लेयर्स हैं, स्किलफुल प्लेयर्स हैं जो हर एक कंडीशन में अच्छा कर सकते हैं और मैच जीत सकते हैं। तो यही दर्शाया है इस ये दो टेस्ट मैचेस में। अब आने वाले समय में मुझे लगता है ये शानदार प्लेटफॉर्म बन गया राहुल द्रविड़ विराट कोहली के लिए। बहुत जरूरी होगा ये दक्षिण अफ्रीका का दौरा राजीव, यहाँ पर बहुत ज्यादा आवश्यक है कि आप जो कोर प्लेयर्स हैं उनको आप ट्रस्ट करें, उनको और भरोसा दिखाएं, तभी वो आने वाले समय में आपके लिए परफॉर्म करेंगे। सबा भाई, अगर आप 2018 याद करें, दक्षिण अफ्रीका से ही शुरुआत हुई थी भारत के रवि शास्त्री और विराट कोहली के एरा की, और उस अगले तीन साल भारतीय टीम ने खासतौर से टेस्ट क्रिकेट में बहुत डोमिनेट किया। अब क्योंकि दो टेस्ट मैचेस आपने देखे, दो डिफरेंट कैप्टन के साथ राहुल द्रविड़ ने काम किया, पहले में रहाने कर रहे थे, फिर दूसरे में विराट आ गए। राहुल द्रविड़ एज अ कोच, क्योंकि देखिए इंडिया एक अलग मुद्दा है, अब आप लाइमलाइट में हैं क्योंकि आप नेशनल ड्यूटी पे हैं, कितना इंप्रेस कर पाए राहुल द्रविड़ दो टेस्ट मैचों में जिस तरह से टीम को हैंडल किया उन्होंने? सबसे बड़ी बात उनकी रही है कम्युनिकेशन प्लेयर्स के साथ राजीव, और जो प्रदर्शन चलिए वो अंत में वो एंड रिजल्ट होता है, पर उसके पहले क्या क्या काम कर रहे हैं आप देखिए। तकनीकी रूप से यहाँ पर राहुल द्रविड़ ज्यादा कुछ कर सकते नहीं है, उनका काम यही है कि वो ठीक प्रकार से कम्युनिकेट करते रहे कि टीम में हर एक प्लेयर को ये लगने लगे कि उसका महत्व बहुत ज्यादा है, उसको ये मालूम होना चाहिए कि उसका रोल क्या है, किस तरह से उसको परफॉर्म करना है। ये सारी बातें अगर आप प्लेयर्स के साथ करते रहेंगे तो वो मानसिक रूप से बहुत ज्यादा सेटल फील करने लगता है, और उसको वो सिक्योरिटी आ जाती है कि उस पर निर्भर करता है कि टीम अच्छा करे। देखिए, कई बार ये होता है कि खिलाड़ी सिर्फ अपनी जगह के लिए खेलने लगता है, तो वो स्थिति पैदा नहीं होनी चाहिए। जो भी खिलाड़ी 11 जो अंदर मैदान में खेल रहे हैं उनका प्रयास यही होना चाहिए कि जो भी वो कर रहे हैं वो टीम के हित में होना चाहिए, और उतार चढ़ाव आएगा आपके फॉर्म में, पर अगर आपको ये लगता है खिलाड़ी के रूप में कि मेरे पास एक ऐसा कोच है, एक ऐसा कप्तान है जो मुझे बैक करने के लिए तैयार है, तो फिर वो और ज्यादा विश्वास के साथ मैदान में उतरता है और प्रयास करता है परफॉर्म करने के लिए। तो ये मुझे लगता है कि बहुत बड़ी विशेषता है राहुल द्रविड़ को, उनकी कोशिश यही होगी कि इसी दृष्टिकोण के साथ वो प्लेयर्स को ट्रीट करें आने वाले समय में भी। सो भाई, क्योंकि रवि शास्त्री और विराट का जब एरा था, एक जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी, टीम ने बहुत अच्छा किया, क्रेडिट भी हम सबने दिया जिस तरह से काम किया रवि शास्त्री और विराट ने, बट एक जो बड़ी परेशानी थी कि बहुत अनसर्टेन था कि एक मैच आप खेल रहे हैं, अगला नहीं खेलेंगे आप, ये एक ऐसी चीज थी जो लगातार चली इस टीम मैनेजमेंट के साथ। क्या उसके उल्टा आपको लग रहा है यहाँ पर थोड़ा सा सर्टेन है चीजें, आपको लग रहा है राहुल द्रविड़ का काम करने का तरीका ऐसा है कि वो सर्टेन हो जाती हैं कुछ चीजें, और उसकी झलक आपको देखने को मिली है, आपको लग रहा है ऐसा?
अब देखिए राजीव, मुझे तो ये लगता है कि कुछ यही सिलसिला हो सकता है कि आने वाले समय में भी देखने को मिले। देखिए अच्छा। जरूरी यह है कि अगर आप निर्णय ले रहे हैं कंडीशंस के मुताबिक और टीम के हित में, तब मेरे हिसाब से वो सही भी है, वो उचित भी है। पर आवश्यक यह है कि आप जो निर्णय ले रहे हैं उसको आप किस तरह से एक्सप्लेन कर रहे हैं क्रिकेटर को, ताकि वो भी लगे कि हाँ मैं ये मैच नहीं खेल रहा हूँ पर मैं तब भी मैच ये टीम का हिस्सा हूँ। क्योंकि अभी जो मुझे 11 में नहीं खिलाया गया उसके पीछे सर्टेन लॉजिक है, और ये ट्रस्ट होना बहुत जरूरी रहता है कप्तान कोच और प्लेयर के बीच में, उसके ऊपर से चयनकर्ताओं के साथ भी। अगर टीम 11 बन रही है, कोच कुछ अलग प्रकार से कम्युनिकेट कर रहा है प्लेयर को और चयनकर्ता कुछ और कह रहा है प्लेयर को, तो वहां पर वो कुछ अनबन सा हो जाता है और उससे टीम का जो टीम के हित में काम होता नहीं है। मुझे लगता है इन सब बातों पर ध्यान देना होगा। तो रवि शास्त्री, विराट कोहली ने भी किया, जो उन्होंने 11 खिलाया वो कंडीशंस के मुताबिक ही खिलाया है। तो मुझे लगता है कुछ इसी प्रकार का आगे भी देखने मिलेगा। और अंत में राजीव, ये कैप्टन टीम है, नहीं रिजल्ट मैटर करता है, पर अंत में राहुल द्रविड़ को भी ये पता है कि ये कैप्टन की टीम है, क्योंकि वो खुद उस वहां तक खेल चुके हैं, वो कप्तानी कर चुके हैं। वो जरूर चाहेंगे कि उतनी स्पेस दी जाए कप्तान को अपने अपने टर्म्स को डिफाइन करने के लिए, वो किस तरह से चाहते हैं कि टीम खेले। तो चलिए अब सीरीज के सिकंदर की बात कर लेते हैं, और पहला सिकंदर हमेशा की तरह भारतीय सरजमी पे आर अश्विन नजर आए। उनकी गेंदबाजी पे बात करें, उससे पहले जो स्टेटमेंट उन्होंने दिया सभा भाई, और वो स्टेटमेंट एक तरह से कहा जाए ताना भी मारा उन्होंने, और साथ में उन्होंने अपनी बात भी कह दी। उनसे जब पूछा गया कि दक्षिण अफ्रीका दौरे के लिए वो कितने तैयार है, तो उनका कहना था पहले मैं खेलूं, मेरा पहला टारगेट ये होगा कि मैं प्लेइंग 11 में खेलूं, और दूसरा टारगेट ये है कि फिर हम दक्षिण अफ्रीका में जाके सीरीज जीतें जो हम आज तक कर नहीं पाए। तो ये जो पहला वाली लाइन है, ये मैं उसी पे आ रहा हूँ, क्योंकि हम लोग उसी से शुरू की थे हमने बात कि इनसिक्योर है लोग, अनसर्टेन है बहुत ज्यादा टीम में। क्या ये जो टीम मैनेजमेंट है, ये अश्विन जैसे खिलाड़ियों को कम से कम भरोसा दिला पाएगी कि अगर आपको ड्रॉप भी किया जा रहा है तो उसके पीछे जेन्युइन रीजन है जो शायद पिछला मैनेजमेंट नहीं कर पाया, और तभी इस तरह का स्टेटमेंट अश्विन ने दिया कि पहला मेरा टारगेट है कि मैं प्लेइंग 11 में खेलूं। राजीव, मुझे विश्वास है कि पिछले वाले टीम मैनेजमेंट ने भी प्रयास जरूर किया होगा, पर आर अश्विन को कन्विंस करना बड़ा मुश्किल है। बिल्कुल। और उनको कन्विंस करने के लिए मुझे लगता है कुछ अलग प्रकार की कम्युनिकेशन या फिर अलग तरह की कम्युनिकेशन की जरूरत होती होगी, जो कि हो सकता है कि इसके पहले वाले मैनेजमेंट ने वो कर नहीं पाए होंगे, पर मुझे पूरा विश्वास है कि ये मैनेजमेंट जरूर इस तरह के कम्युनिकेशन को खोल के रखेगा, ताकि आर अश्विन के को आप ठीक प्रकार से अप्रोच कर पाए अगर कुछ इस तरह के डिसीजन लेने भी पड़े तो, क्योंकि अंत में परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा मैटर करता है और कंडीशंस एक दूसरा फैक्टर रहता है, और आपको इनफॉर्म खिलाड़ियों को खिलाना बहुत जरूरी है। तो मुझे विश्वास है कि इस बार विराट कोहली और राहुल द्रविड़ अपने जो कोर प्लेयर्स हैं, जो मैच परफॉर्मेंस हैं, उनसे किस तरह से आपको कम्युनिकेट करना है इसके बारे में जरूर वो ध्यान देंगे, ताकि आपके शानदार जो खिलाड़ी हैं जो यहाँ पर अच्छा कर रहे हैं वो दक्षिण अफ्रीका में भी जाकर अच्छा करें और एक मैच विनर वहां भी प्रूव करें। पर इस समय आपके प्रीमियर स्पिन बॉलर अगर कोई है तो वो है आर अश्विन, तो उनको यहाँ पर ड्रॉप करना तो मुझे लगता है बहुत ज्यादा कठिन होगा। सभा भाई, जब भी हमने देखा है कि ओवरसीज जब हम टूर करते हैं तो रवींद्र जडेजा पहली चॉइस हो जाते हैं, क्या इस बार की गेंदबाजी और जिस तरह से तीनों फॉर्मेट में आर अश्विन गेंदबाजी कर रहे हैं, आपको लग रहा है वो नंबर वन स्पिनर का जो टैग है जो रवींद्र जडेजा के पास था, अब वो अश्विन के पास आ चुका है, और इसके पीछे कहीं ना कहीं राहुल द्रविड़ का जो प्लानिंग है वो होगी? देखिए, होम सीरीज और ओवरसीज सीरीज में बहुत अंतर होता है राजीव। यहाँ पर तो हमेशा से आर अश्विन आपके प्रीमियर बॉलर रहे हैं। आप मुझे बताइए कब आर अश्विन को ड्रॉप किया गया है होम सीरीज में, होम टेस्ट मैच में, क्योंकि वो आपके शानदार मैच विनर रहे हैं, और यहाँ पर भी जब पहले टेस्ट मैच में तीन स्पिनर खेल रहे थे वहां पर भी आपके प्रीमियर बॉलर रहे थे आर अश्विन। देखिए, जब इंडिया बाहर जाती है ट्रैवल करने के और उनको सीमिंग कंडीशन मिलता है, तो भारत का टेम्पलेट यह है कि वो पांच बॉलर के साथ खेलना चाहती है। जब वो पांच बॉलर के साथ खेलना चाहती है, इसका मतलब है कि वो तीन सीमर या चार सीमर और फिर एक स्पिनर के साथ खेलना चाहती है। और जब भी इस तरह की समस्या सामने आती है, तो चूंकि आपके पास सिर्फ छह बैट्समैन है, तो आप चाहते हैं कि नंबर सात पर एक ऐसा बल्लेबाज आ जाए जो अच्छा एक अच्छा ऑलराउंडर भी हो, और यहाँ पर जो बैलेंस है वो थोड़ा बहुत गड़बड़ा जाता है। इसी वजह से बाहर के टेस्ट मैचेस में रविंद्र जडेजा को प्रेफर किया जाता है, क्योंकि वो अच्छे ऑलराउंडर हैं, उन्होंने रन भी बनाए। हम सब ने देखा है कि रविंद्र जडेजा ने भी ओवरसीज कंडीशन में शानदार तरीके से रन बनाए। इसी वजह से मुझे लगता है कि स्केल जो है
तो थोड़ा वो टिल्ट कर जाता है रविंद्र जडेजा की तरफ। पर अंत में मेरा ये मानना है कि आपको चाहिए ऐसे बॉलर जो आपको विकेट लाकर दें और जो आपको मैच जिताए एक बॉलर के रूप में। तो यहाँ पर अगर इस सोच के साथ भारतीय टीम खेलेगी दक्षिण अफ्रीका में तो मुझे लगता है कि निश्चित रूप से आर अश्विन को मौका मिलना चाहिए 11 में। पृथ्वी हमारे एक व्यूअर है सभा भाई, उनका सवाल है कि जडेजा ने अपने आप को T20 प्लेयर के तौर पे स्थापित कर लिया है, वो कोई इम्प्रूवमेंट नहीं कर सकते एज अ टेस्ट क्रिकेटर, आप मानते हैं ये बात? नहीं, ऐसी बात नहीं है, इम्प्रूवमेंट हुआ है पृथ्वी उनका, इसी वजह से वो इस समय टेस्ट मैचेस खेल रहे हैं और उनका कॉन्ट्रीब्यूशन टेस्ट मैचेस में लाजवाब रहा है। उनके बल्लेबाजी को आप देख लीजिए कितना ज्यादा उनके इम्पोर्टेंट स्कोर रहे हैं पिछले, चाहे वो इंग्लैंड में हो या उसके पहले कहीं और क्यों ना हो। और ये अब रविंद्र जडेजा एक मुकम्मल टेस्ट मैच बैटर हो गए हैं, अब तो कई बार वो नंबर 6 पर आते हैं और नंबर 7 पर शरद धवन साहब आते हैं बैटिंग करने के लिए। पर हाँ, अगर हम तुलना कर रहे हैं सिर्फ एक स्पिनर के रूप में जडेजा और आर अश्विन के बीच में, तो निश्चित रूप से आर अश्विन बहुत ज्यादा आगे हैं जडेजा से। हरसैन का एक और सवाल आपके लिए कि सभा सर, आपको क्या लग रहा है शिखर धवन का ओडीआई ओपनर के तौर पर करियर अब थोड़ा सा खतरे में लग रहा है जिस तरह से मयंक और शुभमन गिल परफॉर्म कर रहे हैं इंटरनेशनल क्रिकेट में? ओडीआई तो मुझे लगता है कि अभी भी शिखर धवन को खेलना चाहिए क्योंकि उनका प्रदर्शन काफी अच्छा रहा है। और अभी जो विजय हजारे टूर्नामेंट जो होने वाली है यहाँ इंडिया में, बीसीसीआई की जो टूर्नामेंट है उसमें शिखर धवन खेल रहे हैं दिल्ली के लिए, वहां पर उनका प्रदर्शन भी ठीक तरह से देखा जाएगा। लीग स्टेज है, उसके बाद नॉकआउट्स है, वहां पर अगर शिखर धवन का प्रदर्शन अच्छा रहता है, क्योंकि अभी इस समय अगर हम देखेंगे वनडे क्रिकेट में तो शिखर धवन का नंबर मेरे विचार में मयंक और शुभमन गिल से पहले आना चाहिए क्योंकि उनका प्रदर्शन लाजवाब रहा है एक दिवसीय मैचेस में। सब हमें बैट्समैनों पे जाएं, मतलब यानी कि सीरीज से सिकंदर बल्लेबाज कौन थे इस पे बात करें, उससे पहले एक छोटी सी झलक सिकंदर बनने की मोहम्मद सिराज ने दिखाई जिस तरह का स्पेल उन्होंने मुंबई में डाला, बहुत इम्प्रेसिव उनका अप्रोच है, विकेट लेना अलग बात है, अप्रोच जो होता है किसी भी मैच में जाने का, कितना वो इम्प्रेस कर पाए, क्या फास्ट बॉलिंग के सीरीज से सिकंदर हम कह सकते हैं उनको? हाँ, भारत की तरफ से पूरी तरह से, क्योंकि जिस मुझे लगता है कि मोहम्मद सिराज की विशेषता ये है राजीव, को वो रिलेंटलेस जो प्रेशर होता है वो बनाकर रखते हैं बल्लेबाज के ऊपर और उनके अंदर वो विकेट टेकिंग क्षमता है और इसके पहले भी हम लोगों ने कई बार देखा है। और वो एक कप्तान के लिए डिलाइट है कि कप्तान को ये लगता है कि इस गेंदबाज को अगर मैंने बॉल दे दी तो ये पूरे 100% अपना लगा देगा विकेट लेने में। और फिर धीरे धीरे करके वो मेच्योरिटी आ रही है, खुद से वो फील्ड सेट कर रहे हैं, बैट्समैन को सेटअप करते हैं, जिस तरह से उन्होंने टॉम लेथम को आउट किया, शॉर्ट बॉल डाली, एक पहले से एक फील्डर पीछे रखा था, ये मतलब है कि वो काफी समय गुजार रहे हैं बॉलिंग कोच के साथ होमवर्क करने में कि कौन से बैट्समैन को किस तरह से ट्रैप किया जा सकता है, उसके एरियाज क्या क्या है, उसकी स्ट्रेंथ और वीकनेस क्या है, ये दर्शाता है कि बहुत जल्दी बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है मोहम्मद सिराज को। उसके साथ साथ गति में निरंतर बढ़ाव इम्प्रूवमेंट देखने को भी मिल रहा है। सवा भाई, अमार साहब का एक सवाल है कि सवा सर, आपको क्या लग रहा है सहा इज अ बेटर ऑप्शन पंत की अपेक्षा, वो सॉलिडिटी देते हैं विकेट कीपिंग में? देखिए, कीपिंग में तो रिद्धिमान साहब हमेशा से एक शानदार ऑप्शन रहे हैं, पर इंडिया को इस समय एक मैच विनर की जरूरत रहती है नंबर 6 नंबर 7 पर, और ऋषभ पंत ने अपने आप को कई बार प्रूव किया है बाहर कंडीशंस में भी। आप ये मुझे ये बताइए कि मुझे लगता नहीं कि किसी भारतीय कीपर ने ऑस्ट्रेलिया या फिर इंग्लैंड में इस तरह की बैटिंग की होगी या फिर इतने शतक लगाए होंगे। MS धोनी ने भी ऐसा कभी नहीं किया है। मुझे लगता है कि इस समय जरूरत यह है कि भारत ऋषभ पंत में इन्वेस्ट करे। हाँ, रिद्धिमान साहब अभी शानदार फॉर्म में है और उनको लगता नहीं है कि उम्र का कोई फर्क पड़ता है उनके ऊपर, क्योंकि कीपिंग हमेशा से ही अच्छी रही है। मैंने उनको बहुत बचपन से देखा है कीपिंग करते हुए और बल्लेबाजी में भी बहुत ज्यादा वो दृढ़ निश्चय के साथ आते हैं बैटिंग करने के लिए, तो वो जरूर एक विकल्प है। पर इस समय मेरे विचार में ऋषभ पंत नंबर 1 विकेट कीपर होना चाहिए दक्षिण अफ्रीका के लिए। तो चलिए एक ब्रेक ले लेते हैं और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो सीरीज के सिकंदर में, यानी कि बल्लेबाजी डिपार्टमेंट से सीरीज का सिकंदर कौन बना इस सीरीज में, उसपे बातचीत करेंगे और क्या ये युवा खिलाड़ी टीम के स्टैब्लिश खिलाड़ियों को चैलेंज कर रहे हैं, यानी कि मयंक श्रेयस अय्यर जैसे खिलाड़ी जिन्होंने मैच जिताने में, सीरीज जिताने में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल अदा किया, इन पर आगे बातचीत करेंगे। एक ब्रेक ले लेते हैं। इफ यू लव क्रिकेट लिसन अप, The Edges and Sledges Cricket Podcast is here for you. Hosted by DJ, Varun and me, Ashwin, we bring a fun, fresh fans' point of view to talking all things cricket.
Sometimes it's just the three of us, sometimes we have guests, including current and former international cricketers. For new episodes every week, check out the Edges and Sledges Cricket Podcast on the IVM app, website, or wherever you get your podcasts. ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है सबा भाई के साथ. आप देख रहे हैं खेल नीति और सबा भाई अब आपके फेवरेट डिपार्टमेंट पे आ जाते हैं बल्लेबाजी जहां रन बनते हैं और रन बनने के साथ टीमें सिक्योर होती हैं खासतौर से हिंदुस्तान में जब आप टॉस जीतकर पहले खेलते हैं कि आप स्कोर बोर्ड पे 300 प्लस लगाएं और टेस्ट मैच पर अपना शिकंजा कसें. क्या ये टॉस ने बड़ा इंपॉर्टेंट रोल अदा किया? एक तो सबा भाई सीरीज में दोनों टॉस जीता पहले रहाणे ने फिर विराट ने और उसके बाद आपकी नजर में सीरीज का सिकंदर कौन रहा बैटिंग डिपार्टमेंट में? हाँ मेरे विचार में दो है इसमें श्रेयस अय्यर और मयंक अग्रवाल और यहाँ पर मैं मयंक अग्रवाल को ज्यादा नंबर देना चाहूंगा. तो मयंक अग्रवाल के लिए बहुत ज्यादा कठिन है ये एक ऐसा फेज है जहां पर उनको पता नहीं है कि अगला टेस्ट मैच वो खेलेंगे कि नहीं खेलेंगे. पिछली बार जब भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया की गई थी वहां पर वो नंबर एक ओपनर थे. जैसे ही एक या दो टेस्ट मैचेस में उनका फॉर्म नीचे गिरा उनको बाहर कर दिया गया. उसके बाद उनको पता नहीं चल रहा था कब उनको खेलने का मौका मिलेगा और इस परिस्थिति में आकर बैटिंग करना, इतने दबाव में आकर बल्लेबाजी करना और एक शानदार बॉलिंग अटैक के सामने बैटिंग करना, स्पिनर्स के सामने धमाकेदार बल्लेबाजी करना उतना आसान होता नहीं है. तो ये दर्शाता है कि उनमें कितना ज्यादा ग्रिट और डिटर्मिनेशन था. उसके ऊपर से पहले टेस्ट मैच में बहुत जल्दी आउट हो जाना, फेलियर पहले टेस्ट मैच के बाद, फिर गोइंग इन टू द सेकेंड टेस्ट मैच, वहां पर आपको संयम के साथ साथ एग्रेशन भी दिखाना होता है जो कि मयंक अग्रवाल ने शानदार तरीके से किया. तो मेरे लिए नंबर एक पर इस समय मयंक अग्रवाल है. अब उनको ये भी नहीं पता है कि आने वाला टेस्ट मैच जो दक्षिण अफ्रीका में होगा, अगर केएल राहुल और रोहित शर्मा फिट हो जाते हैं तो उनको मौका मिलेगा कि नहीं. तो उनकी स्थिति को युद्धवान शाह के ही तरह है इस समय. उनको वेट करना है कि जब भी मौका मिले वो परफॉर्म करे और टीम मैनेजमेंट उनसे एक्सपेक्ट करती है कि आप परफॉर्म करें ताकि कम से कम आप एक विकल्प बने रहे. तो ये स्थिति जो है बहुत ज्यादा कठिन है किसी भी खिलाड़ी के लिए. तो मैं तो दाद देता हूँ दोनों रिद्धमान साहा और मयंक अग्रवाल को. जब भी उनको मौका मिल रहा है वो अपने आप को प्रूफ कर रहे हैं, अपनी जगह बनाने का हमेशा प्रयास है. क्या सवा भाई श्रेयस अय्यर ने अपनी जगह नंबर पांच पे पक्की कर ली है जिस तरह की बैटिंग की? हालांकि मुंबई में दोनों पारियों में उनको अच्छा स्टार्ट मिला, कन्वर्ट नहीं कर पाए, बट क्या जो आपने उनकी बैटिंग को असेस किया, क्या रहाणे सुपर चांस मिलेगा आने वाले टाइम में उनको? मुझे तो लगता है कि मिलना चाहिए राजीव. आप कितने देर तक ऐसे खिलाड़ी को आप बाहर रखेंगे? और श्रेयस अय्यर के साथ सबसे बड़ी बात यह है राजीव, उनके पास बहुत ज्यादा अनुभव है डोमेस्टिक क्रिकेट खेलने का. वो कितने साल से डोमेस्टिक क्रिकेट खेलते आ रहे हैं. उनका जो बैटिंग एवरेज है रणजी ट्रॉफी में या फिर फर्स्ट क्लास क्रिकेट में वो करीब 55 या 58 का है. और मॉडर्न डे क्रिकेट में भारत में उस तरह का फर्स्ट क्लास का एवरेज बहुत कम खिलाड़ियों का, या फिर मुझे लगता नहीं है किसी और खिलाड़ी का है. सूर्य कुमार यादव का भी इतना शानदार रिकॉर्ड नहीं है. तो मुझे लगता है कि अब समय आ गया है कि एक वो टर्न ओवर होना चाहिए, नए खिलाड़ी को मौका मिलना चाहिए. और दक्षिण अफ्रीका एक शानदार जगह है जहां पर आपको श्रेयस अय्यर को मौका देना चाहिए. और उसके ऊपर से राजीव, श्रेयस अय्यर कई बार दक्षिण अफ्रीका ट्रैवल कर चुके हैं इंडिया ए के लिए. उनको अनुभव है वहां के विकेटों पे खेलने का भी. कोई नई बात नहीं रहेगी श्रेयस अय्यर को कि अगर उनको और भी मौका मिले दक्षिण अफ्रीका. लेकिन सभा भाई हनुमा विहारी की बात करें, अभी वो जो रिसेंट इंडिया ए के लिए खेल रहे हैं 50 के एवरेज से वो रन बनाए उन्होंने जो भी मैचेस उन्होंने खेले हैं, तो आप उनको भी साइडलाइन नहीं कर सकते हैं जिस तरह का ओवरसीज उनका रिकॉर्ड है? हाँ, पर साइडलाइन तो कर दिया चयनकर्ताओं ने. ताज्जुब होता है जब उनको यहाँ पर उनको क्यों नहीं रखा गया. और ये कहना कि उनको हमने दक्षिण अफ्रीका भेजा है वहां के विकेटों पे एडजस्ट करने के लिए, ये बात मुझे पच नहीं रही है राजीव. क्योंकि अगर आप उस खिलाड़ी से पूछेंगे कि आप टेस्ट मैच खेलना चाहेंगे या फिर इंडिया ए के लिए दक्षिण अफ्रीका जाना चाहेंगे, तो हर एक खिलाड़ी यही कहेगा अरे भाई मुझे यही रहना है, मुझे आप टेस्ट मैच में जगह दीजिए 11 में. अगर वो यहाँ रहते, अगर टीम में रहते, तो श्रेयस अय्यर के पहले उनको मौका मिलता कि नहीं मिलता? मौका उन्हें भी मिलता. बिल्कुल. पर यहाँ पर अगर उनको मौका नहीं मिला है, इसका मतलब है कि इस समय पैकिंग ऑर्डर में चयनकर्ताओं की सोच में श्रेयस अय्यर ही आगे हैं. तो हाँ, मैं मानता हूँ कि हनुमा विहारी को 15 में जगह मिलनी चाहिए, पर क्या उनको 11 में जगह मिलेगी श्रेयस अय्यर के पहले, मुझे डाउट है जी. लेकिन वापस मयंक अग्रवाल की बैटिंग पे आ जाए सभा भाई, आपने भी एज अ सेलेक्टर बहुत से बैट्समैनों को देखा है, बहुत ओपनिंग बैट्समैनों को देखा है. कल मैं आपसे चर्चा भी कर रहा था कि बहुत रेयर ऐसे ओपनर्स हैं जो स्पिनर्स को बहुत अच्छा खेलते हैं और डोमिनेटिंग नेचर के साथ. मुझे जितना याद आ रहा है वीरेंद्र सहवाग के बाद दूसरा ऐसा टेस्ट ओपनर देखा जो बहुत दिलेरी के साथ स्पिनर्स को हैंडल करता है. ये क्या एक्स्ट्रा एडवांटेज मयंक के साथ आप देख रहे हैं? और अगर सेलेक्टर्स लॉन्ग टर्म में देखें, क्या नंबर 3 के लिए आइडियल प्लेयर हो सकते हैं जिस तरह का पुजारा का फॉर्म रहा है?
एक विकल्प बन सकता है राजीव। देखिए जो भी खिलाड़ी डोमेस्टिक क्रिकेट में 4-5 साल से खेल चुका है उसको स्पिनर्स के विरुद्ध खेलना आता है, उसको पता है कब उसको अटैक करना है, किस प्रकार का डिफेंस उसको होना चाहिए, चाहे वो अब केएल राहुल को देख लें या फिर मयंक अग्रवाल को देख लें या नई पीढ़ी के खिलाड़ी को भी देख लें, श्रेयस अय्यर को आप देख लें, सूर्य कुमार यादव को देख लें, क्योंकि डोमेस्टिक क्रिकेट में रन बनाना बहुत ज्यादा चैलेंजिंग है, क्योंकि यहाँ पर हर एक प्रकार के कंडीशन आपको मिलते हैं। अगर आप विंटर में नॉर्थ आ गए तो यहाँ पर आपको सीमिंग कंडीशंस मिलेगा, अगर आप वेस्ट चले गए या फिर साउथ चले गए वहां पर आपको स्पिनिंग कंडीशंस मिलेंगे, तो आपको अभ्यास हो जाता है स्पिनर्स के सामने रन बनाने को। ये बहुत बड़ा एडवांटेज है मयंक अग्रवाल के लिए। ओपनर तो है, उनको पता है कि पेस बॉलर्स को खेलना है, पर जैसे ही स्पिनर आता है वहां पर वो शानदार बल्लेबाजी करते हैं, एग्रेसिव स्टैंड के साथ वो बैटिंग करते हैं स्पिनर्स के विरुद्ध। तो ये एक हाँ मैं मानता हूँ कि ये एक शानदार विकल्प हो सकते हैं, क्योंकि आपको एक ऐसा नंबर 3 बैटर चाहिए जो पेस बॉलर के सामने भी नई गेंद के साथ खेल ले, उसके साथ साथ स्पिनर्स को भी अटैक कर सके। समा भाई, क्योंकि मैचेस आप देख रहे थे दोनों जो टेस्ट मैचेस हुए, तीसरा जो बैट्समैन ध्यान में आता है वो ना तो चेतेश्वर पुजारा है, ना अजिंक्य रहाणे है, ना ही विराट कोहली है, वो आते हैं शुभमन गिल ध्यान में। अब अगर हम तीन इन युवा खिलाड़ियों का प्रदर्शन हटा दें तो ऑलमोस्ट सीरीज आपकी दांव पे लग गई थी। ये कितना बड़ा चैलेंज आप देख रहे हैं विराट, चेतेश्वर पुजारा, अजिंक्य रहाणे जैसे बड़े नामों के लिए जो यंगस्टर्स आके लगातार प्रेशर उन पे क्रिएट कर रहे हैं? हाँ राजीव, ये एक कंसर्न है राहुल द्रविड़ और टीम मैनेजमेंट के लिए, और इसको दूर करना बहुत जरूरी होगा, क्योंकि आपको स्टेबिलिटी चाहिए टॉप ऑर्डर में। अगर आपके खिलाड़ी नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5 पे रेगुलर रन नहीं बना रहे हैं और साझेदारी नहीं बन पा रही है तो दबाव हमेशा से लोअर ऑर्डर के आपके ऊपर आएगा। और अगर आप एक स्ट्रॉन्ग बॉलिंग अटैक के सामने खेल रहे हैं तो वो बॉलिंग अटैक आपको ज्यादा देर तक जिंदा रहने देगी नहीं, इसीलिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि आपके पास वो स्टेबिलिटी आनी चाहिए नंबर 3, नंबर 4 और नंबर 5 में। और पिछले 2-2.5 सालों में एक तरह का वैक्यूम सा आ गया है और इसको दूर करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो दूर आप किस तरह से करेंगे, या तो आप इंतजार करें कि भाई हमारे जो मेन प्लेयर्स हैं वो वापस फॉर्म में आ जाएं, कब तक आप इंतजार करेंगे, या फिर आपको नए खिलाड़ी को मौका देना होगा। तो मेरी अप्रोच तो यही है कि अब वक्त आ गया है कि नए खिलाड़ी को मौका दिया जाए और उनको आप टेस्ट करें, क्योंकि इन सभी नए खिलाड़ियों के पास बहुत ज्यादा अनुभव है डोमेस्टिक क्रिकेट खेलने का और एक तरह से अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट भी खेलने का, जहां तक इंडिया ए की बात हो या फिर एक दिवसीय मैचेस की बात हो। सोहम भाई, एक बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल आया रणजी ट्रॉफी को लेके, उनका पूछना है कि सर क्योंकि रेड बॉल में हमारे देश में बहुत टैलेंट है, क्यों नहीं हम रणजी ट्रॉफी को ही मार्केटिंग करते और इसको मोनेटाइज करने का काम करते हैं? देखिए मार्केटिंग करना आसान है, मोनेटाइज करना कठिन है, और मेरा भी ये मानना है कि ठीक तरह से पब्लिसिटी होनी चाहिए रणजी ट्रॉफी मैचेस की, ताकि ढेर सारे लोग आए मैदान में देखने के लिए। और ये दायित्व जो है वो स्टेट एसोसिएशन को लेना होगा जहाँ जहाँ ये मैचेस हो रहे हैं। अब पिछले करीब 3 या 4 सालों से ये होम एंड अवे मैचेस होते हैं, तो जब भी आपके खुद के एसोसिएशन में मैच हो रहा है, आपके घर में मैच हो रहा है, तो उसको आप ठीक प्रकार से पब्लिसिटी दें, आप मार्केट करें, लोगों को बुलाएं, स्कूल चिल्ड्रन को बुलाएं, ताकि जो महत्व है रणजी ट्रॉफी मैचेस का वो बढ़ जाए। क्योंकि अभी अब तो बहुत सारे मैचेस जो हैं वो टेलीवाइज होते हैं, तो वो भी एक बहुत ही अच्छा मीडियम है जहां से आप पब्लिसिटी प्रदान कर सकते हैं या मार्केट कर सकते हैं इस गेम को। क्योंकि टीम सिलेक्शन भी आज होना है, कई सवाल टीम सिलेक्शन को लेकर आ रहे हैं सभा भाई, लेकिन मैं सबसे ज्यादा यही कि प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी चाहिए आज टीम सिलेक्शन के बाद और क्लियर करना चाहिए चीजें कि हम इस खिलाड़ी को क्यों रख रहे हैं और इस खिलाड़ी को क्यों ड्रॉप कर रहे हैं। मुझे लगता है कि अगर राहुल द्रविड़ से पूछा जाए तो वो भी यही सहमति देंगे कि हाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी चाहिए, ताकि वो सवाल जवाब होना चाहिए प्रेस के साथ, क्योंकि चयनकर्ताओं का भी ये दायित्व है कि वो एक्सप्लेन करें प्रेस को, एक्सप्लेन करें क्रिकेट फैंस को, और उससे ज्यादा एक्सप्लेन करें क्रिकेट प्लेयर्स को कि चयनकर्ताओं की सोच क्या है उस खिलाड़ी के बारे में। और इस प्रकार की क्लैरिटी और अगर इस तरह का कम्युनिकेशन आना शुरू हो जाएगा तो ये सभी के हित में होगा राजी जी। और खास तौर से अगर हम बात करें आप सवा भाई, जिस तरीके से सीनियर बल्लेबाज आउट हुए, वापस हम विराट, रहाणे और पुजारा पे आ जाते हैं, थोड़ा वरिंग फैक्टर आपके लिए लगा कि आउट होने का जो तरीका है वो लगभग एक सा है, वो बदल नहीं रहा है, वो पुजारा का हो या रहाणे का हो या विराट जिस तरह से आउट हुए? देखिए विराट तो पहला टेस्ट मैच खेल रहे, तो मुझे अच्छा लगा कि दूसरी पारी में भी उन्होंने आके बैटिंग की, थोड़ा बहुत संघर्ष किया क्योंकि विकेट थोड़ा कठिन हो रहा था, और मुझे लगता है कि उसमें इंग्लैंड में भी उनको उनकी बैटिंग करते हुए देखा है हम लोगों ने, और मुझे कभी ऐसा लगा नहीं कि वो रन बनाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं।
अब पुजारा और अजिंक्य रहाणे की बात अलग है। कई बार मुझे ये एहसास होता है कि अब अजिंक्य रहाणे और पुजारा वो थोड़ा संघर्ष कर रहे हैं, वो थोड़ा बहुत वो हिचकिचाहट है शॉट मेकिंग में, ज्यादा क्लियर नहीं है अपने फुटवर्क को लेकर, थोड़ा बहुत टेंटेटिव है उसको लेकर, और बस इंतजार कर रहे हैं कि जैसे कोई बॉल आए या फिर या मैं उस पर प्रहार कर दूं ताकि एक तरह से मैं जेल से निकल जाऊं। तो वो जो क्लैरिटी होनी चाहिए, जो माइंडसेट में क्लैरिटी होनी चाहिए, वो इस समय इन दोनों खिलाड़ियों में नजर नहीं आ रही। सभा भाई एक और छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद थोड़ी बात एशियस की भी करेंगे और खेल रीति के जो तमाम दर्शक हैं विवश हुए हैं उनको बता दें कि हिंदी कमेंट्री आप सभा भाई को सुन सकते हैं सुबह उठ के, क्योंकि 5 बजे टेस्ट मैच शुरू होते हैं ऑस्ट्रेलिया में, तो उसके लिए आपको सुबह उठना पड़ेगा। और एशियज बहुत बड़ी सीरीज होती है, अगर आप टेस्ट क्रिकेट के फैन है तो आप एशियज देखना नहीं भूलेंगे। इस पर आगे बातचीत करेंगे। भारतीय टीम के बारे में हमने ढेर सारी बातें की, अब थोड़ी बात इंटरनेशनल क्रिकेट की भी करेंगे। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद तुरंत हाजिर होते हैं। आजकल लोग पॉजिटिव शब्द से ही डरते हैं, पर यकीन मानो कोविड के आगे भी दुनिया है जहां पॉजिटिव और सही चीजें जरूरी है, और हमारे देश में जहां जहां ऐसे काम होते हैं स्माइल इंडिया मौजूद है। यही समाचार तो ढूंढ कर लाती हूँ मैं शिफा मैत्रा आपके लिए हर गुरुवार। स्माइल इंडिया आप सुन सकते हो हिंदी और अंग्रेजी में IVM के ऐप पे, वेबसाइट पे या जहां कहीं से भी आप पॉडकास्ट सुनते हो। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है, आप सभा भाई के साथ देख रहे हैं और सुन रहे हैं खेल लेती। सभा भाई एक तो एशियस की कमेंट्री के लिए आप तैयारी कर रहे होंगे, बड़ी खबर आपको दे दूं कि जेम्स एंडरसन पहले टेस्ट मैच के लिए अवेलेबल नहीं है। अब ये इंग्लैंड के लिए कितना बड़ा सेटबैक आप इसको देख रहे हैं? बहुत बड़ा सेटबैक है ये इंग्लैंड के लिए, क्योंकि सारे के सारे ऑस्ट्रेलियाई प्लेयर तैयारी कर रहे थे कि जेम्स एंडरसन उनके मेन ओपोनेंट होंगे, पर उस समय ये टीम में नहीं है, अब खेल नहीं पाएंगे। पर उनकी बॉलिंग अटैक जो है मुझे लगता है वो उनके पास काफी अनुभव है। स्टुअर्ट ब्रॉड खेलेंगे, ओली रॉबिन्सन है जिन्होंने भारत के विरुद्ध अच्छी गेंदबाजी की थी, क्रिस फोक्स है उनके पास और मार्क वुड है, कुछ इसी प्रकार का बॉलिंग अटैक उनका रहेगा। उसके साथ साथ उनके पास 2 स्पिनर हैं, जैक लीच और डॉम बेस, राइट आर्म ऑफ स्पिनर और लेफ्ट आर्म स्पिनर। और सबसे बड़ी बात है कि बेन स्टोक्स फिट हो गए हैं, उनको खेलने का मौका मिलना चाहिए। मुझे लगता है कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग ये टेस्ट सीरीज होने वाली है। ऑस्ट्रेलिया की भी हालत, चूंकि टिम पेन इस समय बाहर है, उनके जगह पर एक नया कप्तान आया है, तो उनको थोड़ा बहुत समय लगेगा सेटल होने में। उनके पास भी 1-2 सिलेक्शन के इश्यूज थे, किसको खिलाना है, उस्मान ख्वाजा को चाहिए को खिलाना चाहिए या फिर ट्रैविस हेड को खिलाना चाहिए। इस समय ट्रैविस हेड को मौका मिल रहा है। टिम पेन की जगह उनके पास 2 कंटेंडर्स थे, एलेक्स कैरी और जॉश फिलिप, पर उन्होंने एलेक्स कैरी को कीपर बनाया है इस समय। मुझे लगता है कि बहुत ही इंटरेस्टिंग ये श्रृंखला होने वाली है राजीव। सभा भाई मैं अभी देख रहा था एक रिकॉर्ड, 632 विकेटें हैं जेम्स एंडरसन की। अब वो इस टेस्ट मैच में तो नहीं खेल रहे हैं, बट हर किसी के जहन में सवाल है क्या पहले फास्ट बॉलर होंगे जो 700 विकेट तक पहुंचेंगे? सभा भाई 166 टेस्ट मैच खेल चुके हैं अभी तक वो। इनक्रेडिबल अचीवमेंट है ये राजीव जी सर। बस सोचिए कि कितना विकेट उन्होंने लिया है, इतने सारे विकेट लेने के लिए उनको कितनी मेहनत करनी हुई होगी अपने फिटनेस को लेकर। और ये लॉन्जेविटी बनाने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप पूरे अपने जो व्यक्तित्व है आपको उसके ऊपर आप ध्यान दें, ना ही केवल फिटनेस के ऊपर, पर न्यूट्रिशन के ऊपर, आपके वेलबींग के ऊपर, आपके मेंटल हेल्थ के ऊपर। और फिर ये देखते रहना कि जो 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 बल्लेबाज हैं वो क्या सोच रहे हैं, उनकी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस क्या है, फिर उस हिसाब से आपको तैयारी करना बहुत ज्यादा कठिन होता है। तो मुझे लगता है कि इंग्लैंड की जो थिंक टैंक है वो सही समय पर उनको ब्रेक देती है, और इसी वजह से वो इतना लंबे समय तक खेल रहे हैं। तो उनको अभी भी लगता है कि जेम्स एंडरसन उनके लिए एक मैच विनर है जब भी वो मैदान में उतरेंगे तब। सवा भाई क्योंकि बेन स्टोक्स की वापसी हो रही है इस सीरीज से, कितना बड़ा इम्पैक्ट वो डालेंगे? और जो रूट जो बहुत जबरदस्त फॉर्म में नजर आए थे भारत के साथ जो टेस्ट सीरीज हुई उसके बाद आईपीएल आ गया, 2 बड़े क्रूशियल प्लेयर्स खासतौर से बेन स्टोक्स के बारे में आप कैसे देखते हैं? सिंगल हैंडेडली उन्होंने पिछली बार जिता दिया था इंग्लैंड को, तो ये एक तरह की रिवेंज सीरीज होने वाली है राजीव जी। तो यहाँ पर ऑस्ट्रेलियन मीडिया और ऑस्ट्रेलियाई प्लेयर्स सबके सब टारगेट करेंगे बेन स्टोक्स के ऊपर, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले वो अपने मेंटल हेल्थ के लिए, वेलबींग के लिए उन्होंने थोड़े दिन तक क्रिकेट खेलना छोड़ दिया था, और बड़ी अच्छी तरह से उनको अब वापस लेकर आई है इंग्लैंड के थिंक टैंक, उनको समय दिया डिसाइड करने के लिए, उनके ऊपर कोई दबाव बनाया नहीं। और अभी भी मुझे लगता है कि धीरे धीरे उनको चाहेंगे वो टीम में एब्जॉर्ब करना।
तो बहुत ही ये दिलचस्प होने वाला है ये मुकाबला बेन स्टोक्स वर्सेस ऑस्ट्रेलियन टेस्ट टीम, क्योंकि सबकी निगाहें इस लड़ाई के ऊपर रहेगी। और बेन स्टोक्स बहुत ही क्रिटिकल प्लेयर है, जो रूट, बेन स्टोक्स, जॉस बटलर, मुझे लगता है इंग्लैंड बहुत कुछ निर्भर करती है इन तीन खिलाड़ियों के ऊपर। सवाई, क्या ज्यादा बैटिंग स्ट्रॉन्ग लग रही है इंग्लैंड की ऑस्ट्रेलिया की अपेक्षा? ऑस्ट्रेलिया अपने तीन जो प्रीमियम फास्ट बॉलर है, हेजलवुड, मिचेल स्टार्क और उनके कप्तान पैट कमिंस, उन पे ज्यादा निर्भर होंगे। और फिर जो उनके सुपरस्टार ऑफ स्पिनर है नेथन लॉयन, वो एक बड़ा किरदार प्ले करेंगे। लेकिन ओवरऑल आप देख रहे हैं ऑस्ट्रेलिया गेंदबाजी बनाम इंग्लैंड बल्लेबाजी ये एशिया सीरीज कुछ हद तक राजीव, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की भी बैटिंग बहुत ज्यादा अनुभव नजर नहीं आ रहा है। डेविड वार्नर, स्टीव स्मिथ को छोड़ दें या फिर मार्कस लाबुशेन को अगर आप हटा दें, उनकी बोलिंग बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, तीनों टॉप क्वालिटी पेस बॉलर है, नेथन लायन वर्ल्ड क्लास ऑफ स्पिनर है, और उनका मुकाबला एक ऐसी टीम के साथ है जो बहुत कुछ निर्भर करता है इस समय, जो रूट, बेन स्टोक्स और जॉस बटलर की बैटिंग के ऊपर। मुझे लगता है कि ये जो कोर है बैटिंग का इंग्लैंड का, वो इन तीनों के ऊपर है। उसके अलावा यंगस्टर्स हैं उनके पास जिन्होंने उतना अच्छा प्रदर्शन किया नहीं, चाहे रोरी बर्न्स हो गए, जैक क्रॉली हो गए, डैन लॉरेंस हो गए, अब पता नहीं किसको मौका मिलेगा, डेविड मलान को भी इस बार उन्होंने टीम में रखा है। पर हाँ, ये जो मुकाबला होने वाला है ऑस्ट्रेलियन पेस बैटरी वर्सेज इंग्लिश बैटिंग लाइनअप। बहुत बहुत शुक्रिया सभा भाई आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, और ढेर सारी शुभकामनाएं कि आप एशियाज में जाएं और जबरदस्त अंदाज में आप एशियाज के मैचेस को हम तक पहुंचाएं। तो जुड़िए आप खेल नीति के साथ रोज सुबह 9:30 पर खेल नीति के यूट्यूब चैनल और आईबीएम के फेसबुक पेज पर। आप मुझसे जुड़ सकते हैं और अपने सवाल भेज सकते हैं @RajivMish मेरा ट्विटर हैंडल है। इसके अलावा खेल नीति का हर एपिसोड आप सुन सकते हैं आईबीएम ऐप पर, IBMPodcast.com पर, गाना, स्पोटिफाई, सावन, गूगल पॉडकास्ट या अन्य आईवीएम पॉडकास्टिंग नेटवर्क पर। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। Hey everybody, it's been another great week on the IVM Podcast Network. On Raw and Organic, Kunal is joined by his close friend, national football player and fitness trainer Jyoti Ann Bure. They catch up on their training sessions, the life of an athlete, and a whole lot more. On Cyrus is in conversation with Ashish Singhal, founder and CEO of CoinSwitch, to discuss CoinSwitch Kuber's journey, investing, and the cryptocurrency bill of 2021. On the Life Manifesto, Zarina decodes the Great Resignation. Let's find out why more people across the world are willing to quit their jobs. On All Things Policy, the Takshashila folks discuss the potential effects of climate change on food. And on Say No to Drama, Chetna drops some truth bombs on happiness. Do follow us on social media. We're IVM Podcast on Twitter, Facebook, Instagram, and LinkedIn. And remember, if you're enjoying this show or any of our other shows for that matter, please do tell a friend. And finally, do remember that many of our shows are available on YouTube. You can check that out by going to our website, IVMPodcast.com/YouTube, where we have a list of all of our various YouTube channels. Finally, we'd like to thank the sponsors on the network this week: Cred, Bank of Baroda, HDFC Mutual Fund, CoinSwitch, Kuber, Intel, and Oxfam India. Thank you so much for making this possible. Safar, raaste, manzil aur mukam. Aksar ye humse kuch kehna chahte hain, par hum hain ki apni rozmarra ki zindagi mein inhe sunne se katrate hain. Namaste dosto. मेरा नाम है केशव चतुर्वेदी और मैं आपको ले चलूंगा कुछ ऐसे सफर पर जहां आपको एक नया नजरिया मिलेगा सफर और मंजिलों को देखने का। आइए इन किस्से कहानियों में डूब जाएं हर मंगलवार और शुक्रवार।